अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, न केवल फिरोजाबाद आसपास की जनता बल्कि बहुत सारे गरीबों की, यहाँ के मेहनत करने वाले किसानों की कुल देवी भी हैं। सिया देवी के आशीर्वाद मिल जाने के बाद बहुत लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज जब दर्शन करने का मौका मिला और इस स्थान पर आने का मौका मिला है तो हम यही कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और गरीबों की उम्मीदें पूरी हों। जो किसान गरीब इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जीवन में भी खुशहाली आए, तो आज इस स्थान पर आकर के यही संकल्प लिया है और माँ से यही मांगा है कि हर समाज आगे बढ़े, खुशहाली के रास्ते पर जाए। सिया देवी की मान्यता बहुत है। मुझे याद है पहले भी आने का मौका मुझे मिला था, इस बार जब आ रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं तो हम ये भरोसा दिलाते हैं तभी तमाम गरीब जनता को कि देश संविधान से चले, कानून से चले और जो अधिकार संविधान में और कानून में है वो गरीबों को मिलें और इस स्थान का विकास और इस स्थान को भव्य कैसे बनाया जाए, इस स्थान की जो मान्यता है उसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आज झंडा भी चढ़ाया है, सिया देवी के दर्शन भी किए हैं और यहाँ पर जो भी स्थल हैं उन पे जाने का मुझे मौका मिला है। छत्तीसगढ़ में 22 पश्चिम बंगाल हैं, कैसे देखते हैं आप? दुख है इस बात का कि लगातार नक्सलियों और हमारी फौज का जब मुकाबला होता है या पैरामिलिट्री का मुकाबला होता है बड़ी संख्या में जान गई हैं। मैं उन शहीदों को याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवारों को जो दुख मिला है इस दुख की घड़ी में हम हैं और मेरा मांग यही है कि सरकार इन शहीदों का पूरा सम्मान करे। और सरकार क्यों नाकाम हो रही है? क्योंकि लगातार सरकार को मौका मिला है और जनता ने इतना बहुमत दिया है, उसके बावजूद भी सरकार आखिरकार नाकाम क्यों है? हमारे पैरामिलिट्री के इतने जवान शहीद क्यों हो रहे हैं या हमारी सीमाएं क्यों सुरक्षित